हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से किसी भी कीपैड सैमसंग की बैटरी को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सैमसंग B310 हमारे पास फ़ोन है, जो कि उसकी ओरिजिनल बैटरी से ऑन नहीं हो रहा था और हमने इसके अंदर किसी दूसरे बैटरी को प्लेस करा तो ये ऑन हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से इसकी बैटरी को आप रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके से और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप देख सकते हैं बैटरी को पहले बूस्ट करके देखना है। तो हमने इसके अंदर एम्पियर चेक करा तो कोई भी एम्पियर यानी कोई भी वोल्टेज हमें दिखाई नहीं दिया। अब हमारे पास डीसी मशीन है, डीसी मशीन के थ्रू हम यहाँ पर इसको बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं एम्पियर मीटर में कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो इसको हमें किस तरीके से रिपेयर करना है आगे सीखेंगे। उससे पहले यहीं पर हम आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सही बैटरी है उसके अंदर हमें एम्पियर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एम्पियर है ये कंज्यूम कर रही है ये बैटरी, ठीक है। और यहीं पर हमारे पास जो ओजी बैटरी यानी ओरिजिनल जो बैटरी है वो एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा, यानी कि ये बूस्ट नहीं हो रहा है। तो इसको हम इस वीडियो में रिपेयर करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले बैटरी को ओपन करना होगा। ऊपर की तरफ एक सर्किट होती है, उसे ओपन करने के लिए आपको सिंपल से इसके कोने में स्क्रू दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर आपको इस तरीके से स्क्रू को खोल लेना होगा। तो स्क्रू ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको सिंपल से इसकी जो ऊपर की सील है उसको निकाल लेना होगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बैटरी का एक प्रोटेक्शन के लिए सर्किट। तो हमारा जो प्रॉब्लम आता है इस सर्किट के अंदर से आता है। तो आपको देख लेना है, यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज चेक करना रहेगा बैटरी के अंदर कोई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, और यहाँ से B-P- करके ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट चेक करेंगे इसके अंदर वोल्टेज हमारी मेन बैटरी पर आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर भी हमें कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पर सिंपल से आपको एक बार बूस्ट करके देखना होगा विदाउट प्लेट, यानी कि प्लेट से हटकर डायरेक्ट हमें यहाँ पर बूस्ट करके देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सर्किट को रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम चलिए इसको बूस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं 3.7 एम्पियर यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है विदाउट सर्किट के, ठीक है। अब हमें चेक करना है इसके अंदर वोल्टेज आ चुका या नहीं। तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट प्लस इसमें वोल्टेज आ चुकी है बैटरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना रहेगा सर्किट के ऊपर हमें वोल्टेज मिल पा रहा है या नहीं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्किट पे भी हमें वोल्टेज मिल चुका है। यदि आपको बैटरी के बाद यानी बैटरी के बाद सर्किट के ऊपर कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर एक जंपर के थ्रू। उसे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर समझा दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरी बैटरी यहाँ पर सर्किट के बावजूद भी एम्पियर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एम्पियर लेना शुरू कर दिया है। तो ये बैटरी हमारा सक्सेसफुल रिपेयर हो चुका है। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे किस तरीके से इसको कोई दूसरी बैटरी आती है जिसमें इस मेथड के थ्रू रिपेयर नहीं होता, तो यहाँ से आपको माइनस वाले यानी नेगेटिव वाले पॉइंट से जंपर उठाकर यहाँ पर पी माइनस आपको दिख रहा है इस पर आपको जंपर कर देना होगा, और आपकी जो बैटरी है वो सर्किट से डायरेक्ट हो जाएगा और ये 100% वर्किंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको रिपेयर कम्प्लीटली कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे मोबाइल के अंदर लगा करके हमारा इस बैटरी से हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी उसी बैटरी के थ्रू यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है और ऑन हो चुका है। इस तरीके से आप ओरिजिनल बैटरी को अच्छे तरीके से रिपेयर करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपेयर हो चुका है, उसी बैटरी से हमारा फ़ोन ऑन हो गया और चार्ज भी ले रहा है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पियर मीटर में हमारा एम्पियर भी कंज्यूम कर रहा है। तो फाइनली हमारी बैटरी जो है रिपेयर हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से बैटरी को पुराने तरीके से इसको पैक करना है, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट होगा जिसको हमें इसके नीचे रखना पड़ेगा। तो सपोर्ट को नीचे रखने के बाद हमें ऊपर से इसका कैप लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम सपोर्ट को नीचे रख लेते हैं, उसके बाद इसके कैप को ऊपर लगा देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमारा स्क्रू था उसको भी टाइट कर लेना है ताकि ये दोबारा से इसका जो कैप है ओपन ना हो। तो फाइनली हमने पुरानी बैटरी को रिपेयर करके एकदम बिल्कुल नए तरीके से कर दिया है और ये अच्छे तरीके से वर्क रहेगा जिस तरीके से ये बैटरी नए पोजीशन में वर्क कर रहा था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके से और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।